नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। थिंक 360 की टीम अलग अलग विधानसभाओं में जाकर जान रही है क्या है उनके विधायक का रिपोर्ट कार्ड और कैसा अभी तक उन्होंने काम किया है। इसलिए आज हमारे दर्शकों के लिए, आज हम हवा महल विधानसभा में आए हुए हैं। हवा महल विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ के विधायक हैं महेश जोशी, जो कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। उनका मंत्रालय है भूजल और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी। अब यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या है उनका अभी तक का कार्यकाल में, उनका क्या है, उनका रिपोर्ट क्या है, उनका प्रोग्रेस। नमस्कार जी, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। सर, कैसा काम किया महेश जोशी जी ने? काम तो लोग सभी अच्छा किया है, परंतु ज्यादातर परेशानी भी गला होगा। ज्यादा परेशानी होगी, मतलब परेशान ज्यादा हुई। काम तो करना ही पड़ेगा। 5 साल में जो टेंडर हो गए थे, जो कैबिनेट में पास हो गया था अमाउंट, वो तो उन्होंने करना पड़ा जी। क्या क्या काम हुए हैं, पहले काम हुए हैं उनकी बात करते हैं पहले। नहीं, काम तो अच्छा हुआ है, ब्रह्मपुरी से यहाँ तक। अच्छा, छोड़ दो पड़ा। जो नाले थे, नालों को कवर कर दिया उन्होंने। ठीक है, लेकिन अगर नालों की आप बात कर रहे हैं पर, लेकिन लोगों से जब मैं बात कर रहा था तो बोल रहे थे कि नालों की सबसे समस्या नालों की है, पानी बहुत जल्दी भर जाता है सड़कों पे। अब तो अभी पानी तो अभी भरता है। देखो, जो पहले पुराने नाले थे ना, वो पहले बहुत अच्छे थे। अच्छा, परंतु जो कवर किया है उन्होंने, ये बहुत नुकसान हो गया इनको। अच्छा, कवर करने से खराब हो गया, नुकसान हो गया, क्यों एरिया कम हो गया। अच्छा, वो पहले खुला था कच्चा, उसमें पानी कभी नहीं भरता था। ठीक है, अब आजकल ये जो से कॉलोनी है उसमें थोड़ा इंक्रीज हुआ है कुछ, उसमें थोड़ा पानी भरना कम हुआ है। और यहाँ तो पहले से अच्छा था। गोविंद देव जी मंदिर की आप बात कर रहे थे अभी। आप गोविंद देव मंदिर में तो लोग सभी कहते हैं यार परेशान रहने वाले यार। अच्छा भाई, रोड से नहीं हो रहे यार, कभी प्याऊ से ही करवा रहे हैं, कभी क्या करवाते हैं, कभी मंदिर सामने को लाइन डाल रहे हैं, फुहारा बना रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, फालतू पैसा खर्च करना उनको। और ये तो आप भी जानते हो, जो भी कोई MLA विधायक सब पैसे कमाने के लिए होता भाई। और ये जो मैं जो भैया जी जो अशोक खास आदमी, इसलिए पर लेकिन इस बार तो टिकट उनके टिकट कटने की संभावनाएं लग रही हैं महेश जोशी। कट भी सकता है। अच्छा, उसके उसे अब दो ही केस लगे ना, उसी लड़के भी कुछ हो गया। अपनी बहू के लिए वो टिकट मांग रहे हैं। हाँ तो यार, ये तो बहू को घर नहीं जानता है, बहू के लिए जाओ, बहू के लिए तो बता सकते हैं। अच्छा, बहू ना और लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार काका जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजन जी है। क्या नाम है? सुजन जी। सुजन जी, और कैसा काम किया है अभी तक महेश जोशी जी ने अभी तक? क्या पता था, मेरे को मालूम नहीं है। हाँ, आप बाहर निकलते तो पता होगा ना आपको कैसा कैसा है। नहीं, इस चीज से यहाँ से बूझो। अच्छा, क्या नाम है काका जी? हाँ, मेरा जब आपका वार्ड नहीं है ये। और लोगों से पूछते हैं, यहाँ पर आगे मिलते हैं थोड़ा सा। आइए, नमस्कार जी। नमस्कार, थोड़ा सा साइड जाते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश नाम है। सुरेश, हाँ जी। सुरेश जी, कैसा काम किया है अभी तक विधायक? अच्छा किया है सर विधायक, बस यहाँ जाम की दिक्कत है थोड़ी। अच्छा, और तो सब बढ़िया है। पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी की बहुत टाइम पे आता है पानी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सीवरेज की मैंने लोगों से जब बात कर रहा था तो सीवरेज की समस्या की बहुत बड़ी समस्या बताई गई है कि हर थोड़ी सी भी बारिश होने पर पानी बहुत जल्दी भर जाता है। सर पहले तो क्या है, अपन जा नहीं सकते थे, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो पानी भरता ही है, बरसात आती है तो देखो थोड़ा बहुत पानी भरता ही है, किंतु काम तो बहुत किया महेश जोशी ने। क्या क्या काम किया, अगर चुनावी वादों की बात की जाए तो क्या उनके चुनावी वादे रहे थे वो आए थे यहाँ? समस्या सबसे ज्यादा तो पानी, वो ये पानी भर जाता था अपने यहाँ नीचे, बहुत ज्यादा पानी भर जाता था, बहुत समस्या होती थी लोगों को कि इसका शोर निकाल दिया उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है, अब पहले जैसी कोई परेशानी नहीं है। और थोड़ा जाम की है, जाम बहुत लगता है यहाँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपके यहाँ पे एक ही हॉस्पिटल है, उसके अलावा एक पर पूरे एरिया में आपके कनकोटी बाजार में एक ही हॉस्पिटल है, और भी हॉस्पिटल ही नहीं है आपके यहाँ पे। यहाँ पे एक जन बड़ा जन समूह है, यहाँ पे बड़े काफी ज्यादा एरिया है आपका, ज्यादा लोग हैं आपके यहाँ पे, तो पर उसके इतने लोगों पर एक ही हॉस्पिटल है बस। हाँ सर, एक ही हॉस्पिटल है कनकोटी हॉस्पिटल, इसके अलावा कोई सा भी नहीं है। नहीं सर, तो वो तो समस्या ही हुई ना फिर से फिर ये तो। हाँ सर, ये समस्या तो सोल्व होगा धीरे धीरे होगा, इसको आगे बढ़ा रहे हैं और काम चल रहा है, इसका और विकास चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभी बजट पास कराया है, लेकिन अब तो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव तो आने वाले हैं सर, अब काम तो कराया है, ऐसी बात नहीं है। क्या क्या काम कराए, चलिए इनके काम की बात करते हैं, तो क्या क्या काम उन्होंने करा दिए अभी तक?
सर देखो यहाँ क्या है, नालों की थी सबसे पहले तो समस्या, इसके सब कॉलोनी में सिविल लाइन की दिक्कत थी, सीवेज लाइन की वो भी काम कराया, और ये अभी जो लाइन डल रही है पानी की वो भी कराया है काम। सड़कें तो खुद ही पड़ी हैं, मैं देख के आया, खुद ने देखी सड़कें बहुत खुदी हुई हैं काफी जगह। सर ये है ही, बरसात आती रहती है इस कारण, बरसात आएगी तो सर ये काम चलते रहते हैं सर, क्या करें, अब ये काम भी बंद हो जाएंगे तो गरीबों का क्या होगा, मजदूर लोगों का, अगर सड़कों का काम नहीं चलेगा तो। नहीं, अरे आप बोल रहे हैं कि बोले कि अगर सड़कें नहीं खुदेंगी तो मजदूर क्या कमाएगा, मजदूर के लिए काम है ही नहीं तो है ही, अगर ये सड़कें भी काम चली नहीं है, अभी हुआ ही नहीं है सड़कों की, नहीं हुआ है 4.5 साल में, मतलब इसका मतलब तो काम तो नहीं हुआ है। फिर काम तो हुआ सर, रोडों का तो बनाया, बनाते रहते, खुदते रहती रोड, क्या करे अब। खुदने वाले कौन है सर? ये आते रहते, क्या पता कभी कौन सी लाइन वाले आ जाते हैं, कभी कौन, एक बार में कोई काम नहीं होता है मतलब। हाँ सर, कोई सर, किसे वोट देंगे आप? हाँ सर, हम तो कैसा जोशी के सपोर्टर है, मैं जोशी को सपोर्ट रहेगा आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और भी लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं और लोगों से पूछते हैं यहाँ पे क्या है उनकी विधानसभा का हाल। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मुकेश जी, कहाँ से, कौन क्षेत्र कौन सा आता है आपका? अपना भी ये वार्ड नंबर 27 में है। क्या समस्या है वार्ड नंबर 27 की? 27 में वैसा समस्या तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो समस्या है अब तो खत्म हो चुकी। क्या पहले समस्याएं क्या थी? पहले समस्या थे पानी भरता था पूरा। अच्छा, पानी तो अभी भी भरता है पर? नहीं नहीं, अब तो कम भरता है, पहले ज्यादा भरता था, अब वैसे सही है। सीवरेज की मैंने जितने भी लोगों से बात की अभी तक, मैंने सब लोगों ने एक ही कहा कि पानी बहुत ज्यादा भरता है, पर आप अकेले ऐसे व्यक्ति जो पानी कम भरता है। यहाँ कम पहले भरता था ज्यादा, अब तो बहुत कम भरता है पानी। कॉलोनी में पूछो आप भाई, कॉलोनी में मैंने पूछा क्षेत्र में आपकी कॉलोनीज में क्या समस्या है, मैंने पूछा वही पूछा आपसे भाई। पहले हमने चक्कर लगाया यहाँ पे, बोले यार सर ये लगवाओ वो लगवाओ, तो गए तो लगवा दिया उन्होंने भाई। लाइट की समस्या थी मेरी हमारी गली में जी, तो लाइट लगवा दी हमने। सिविल लाइन की समस्या थी, सिविल लाइन से करवा, मतलब पूरा काम हुआ, पूरा विकास हुआ। कितने नंबर देंगे महेश जोशी जी को? हाँ जी, 10 में से अगर उनको नंबर देने होंगे तो कितने नंबर देंगे महेश जोशी को? मिलेंगे साहब पूरे, 10 ही मिलेंगे दोबारा, मतलब महेश जोशी जी को लेके आना है वापस लाएंगे दोबारा। कहाँ? केशव कॉलोनी। अच्छा, केशव कॉलोनी, केशव कॉलोनी पीछे नाला है। हाँ। उसको कवर करने के लिए कहा था। अच्छा, पर उसमें कोई कुछ काम नहीं किया, पीछे तरनदार बना दिया। अच्छा, वहाँ पानी बढ़ने लगे भाई। हाँ। उसका क्रॉसिंग करना था मेन रोड में चौराहे पे। अच्छा, वो नहीं हुआ। हाँ। मतलब मूल समस्याएं बहुत सारी बाकी है अभी, ऐसा काम बहुत कम किया, काम बहुत कम हुआ है इस बार, बहुत कम हुआ काम, जबकि केशव कॉलोनी को छत डालनी थी पूरी नाले पे, पूरे 25 प्लाट खराब हो रहे हैं वहाँ। अच्छा, सुरेंद्र पारिक जी की अगर बात करें तो पहले भाजपा के विधायक जो उसे उस टाइम पे थी, प्लान नहीं था उनका। हाँ। अब प्लान तो अभी बनाया उन्होंने। अच्छा, जोशी ने। अच्छा, भाई इसको नालियों को और कर देंगे। हाँ। आपके 15-16 प्लाट है, 20 प्लाट है। हाँ। उसकी सेफ्टी हो जाएगी। हाँ। और दूसरे ने कुछ नहीं किया। अच्छा, अधूरा काम कर छोड़ रहा था। कभी भी मकान गिर सकते हैं, मकान गिर सकते हैं। हाँ, गिर सकते हैं। इतना अच्छा काम हुआ है, काम ही नहीं किया ना, वो तो खड्डे खोद दिए उन्होंने। अच्छा, डाल दिए उन्होंने और तरनताल बना दिया पीछे। अगर लाइट की बात की जाए तो फ्री लाइट वगैरह कुछ मिली है आप लोगों को? लाइट तो अशोक गहलोत ने दीप जाए। अच्छा, वो दे रहे हैं लाइट, अशोक गहलोत दे रहे हैं। अशोक गहलोत दे रहा है तो। अच्छा, कितनी लाइट फ्री मिल रही है आपको? 100 यूनिट दे रही है। अच्छा, बिल कम आया है पहले से मतलब आपका? हाँ, बिल तो कम ही आ रहा है। अच्छा, गरीब आदमी अशोक गहलोत बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके क्षेत्र में काम आपके कांग्रेस के विधायक ने नहीं किया, पर आपकी अगर गहलोत की बात करें, गहलोत ने काम किया है ना? गहलोत ने, वो तो मंत्री है, वो थोड़ा मेरे पास में था ना, वो अशोक गहलोत जी के, इसलिए वो थोड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, किसे चुनेंगे आने वाले समय में, किसे चुनेंगे? अब चुने यार भाई साहब, देखो हम तो मैं तो खुद कांग्रेस हूँ। अच्छा, मैं तो शुरू से कांग्रेस रहा हूँ, मेरे लोग कहते हैं यार आप अपोजिट क्यों बोलते हो, यार बोलना तो क्या पड़ता है यार। अच्छा, अरे मैं तो बोलूँगा भाई, मेरा पूरा एरिया अपोजिट है। चलिए, बहुत साफ बोलता हूँ, इसलिए मैं आपको भी साफ बोल रहा हूँ, मैं तो वो लोग आएंगे जब भी साफ बोलूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ बुजुर्ग लोग, जिनका कहना है कि यहाँ पे अभी तक मूल समस्याएं, पानी की समस्याएं, सीवरेज की समस्याएं और गोविंद देव जी का जो मंदिर है वहाँ पर आम जन की समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं। कार्यकाल की अगर बात की जाए महेश जोशी जी का, तो कार्यकाल 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत ही कम काम किए हैं, ऐसा जनता का मानना है। काम बहुत अधूरे भी रहे हैं अभी तक, जो काफ़ी सड़कें खुदी हुई हैं। सीवरेज की समस्याएं मुख्य समस्याओं में से एक मानी जा रही है। अब आने वाले समय में वक्त बताएगा कि उनको अगर टिकट मिलता है तो वो जीतते हैं या नहीं।
वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।